जमशेदपुर के धालभूम थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जमीन कारोबारी शेखर महतो की गाड़ी पर हुए हमले मामले के 5 आरोपियों को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि बीते 26 सितंबर को अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गाड़ी पर धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत NH 18 स्थित मौदा सोली के समीप फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें शेखर महतो का एक सहयोगी और उसका वाहन चालक जख्मी हो गया था। इस घटना को लेकर धालभूमगढ़ थाने में एक मामला दर्ज कर ग्रामीण SP और घाटशिला SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 5 अपराधियों को रांची से धर दबोचा है। SSP प्रभात कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि रांची के एक जमीन व्यापारी सद्दाम और शेखर महतो के बीच जमीन विवाद हुआ था, जिसके उपरांत सद्दाम द्वारा शेखर महतो को मारने के लिए आदित्य सिंह उर्फ बिट्टू सिंह नामक अपराधी को सुपारी दी गई थी। उसके बाद 5 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि शेखर महतो इस फायरिंग की घटना में बाल बाल बच गए थे। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 5 मोबाइल, 2 पिस्टल और घटना में प्रयोग होने वाले बाइक को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। SSP ने बताया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इनको रिमांड में लेकर भी पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ২০২২ को धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र में रांची के एक जमीन व्यापारी के ऊपर हथियार से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आलोक में धालभूमगढ़ थाना में FIR दर्ज किया गया था। FIR दर्ज होने के बाद घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने, घटना का अनुवेदन करने और शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी रांची और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना में यूज किया हुआ बाइक को बरामद किया गया है। घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 हथियार को भी बरामद किया गया है। साथ में 1 मैगजीन और 2 गोली भी जब्त किया गया है। घटना के पीछे मुख्य कारण है वो जो जिन पर हमला किया गया था, रांची के जमीन कारोबारी शेखर महतो, वो भी और उनके साथ में 3-4 पार्टनर हैं जो रांची और आसपास के क्षेत्र में जमीन का कारोबार करते हैं। ये तीनों चारों पार्टनर मिलके रांची में ही एक जमीन का काम कर रहे थे, जिसमें इनके ही सहयोगियों के द्वारा इनको हटाने के लिए ये प्लान रची गई थी, जिसके लिए जो बिट्टू सिंह है, रांची का रहने वाला है, अपराधी है, उसको इन्होंने सुपारी दी थी इसको मारने के लिए, और इसी क्रम में यहाँ ये घटना को अंजाम दिया गया था।